अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। अरे दादी, अरे अरे ये प्लीज छोड़िए, क्या कर रही हैं? आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आप किसी को आवाज दे देती, लाइए हम कर देते हैं। क्या है ना बेटा, किसी की मदद लेने की आदत नहीं है, पर क्या करें, अब इन बुढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। पहले तो हमारा सारा काम हमारा लल्ला पार्थ कर लेता था, पर इस वक्त वो खुद इतना परेशान है कि उसे परेशान करने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, हम हैं ना, आप हमें बुला लिया करिए। एक बात बताए, देखो बेटा, हमारे पार्थ को गलत मत समझना, बहुत साफ दिल का है, पर कभी कभी गुस्से में आपा खो देता है। वो क्या है ना, बचपन से ही पार्थ को गर्व से नीचा दिखाया गया, किसी ने उसे लायक समझा ही नहीं। फिर वो लड़की से प्यार हो गया तो उसने भी धोखा दे दिया। हमारा पास समझे संभले उसके पहले उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो कातिल है, पर वो ऐसा नहीं है। डर लगता है हमें हमारे अतीत से, अपनी यादों से, उस पल को वापस नहीं जीना चाहते हम। बेटा तुम ही बताओ, ऐसे में आदमी गुस्सा तो करेगा ही ना, हमने कभी उसे बताया नहीं, पर उसकी जगह पे और कोई भी होता ना तो उसका बर्ताव भी ऐसा ही होता। पर कोई उसे समझता नहीं। जब अपने ही उसे नहीं समझ पा रहे तो तुम तो पराई हो, तुम कैसे समझोगी? हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये लीजिए आपका संदूक, हमें बहुत सारा काम है, वो वहाँ गर्व सर, मतलब हम चलते हैं। कान्हा जी, अब बहुत हो गया,
हमारे लल्ला के जीवन में खुशियां भर दो ना। जितनी भी तकलीफ सहनी थी उसने सह ली, अब उसे कोई बेपनाह प्यार करने वाले दे दो, जो उसे समझे, उसे संभाले। जहर का प्याला पी ले पी लूंगी साजना, प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। एक बात पता है कान्हा जी, ये मीरा लड़की है ना, हमें तो बहुत पसंद है, हमारे पार्ट के लिए एकदम सही है। वो उसे संभाल लेगी, जीवन भर साथ देगी। प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। जेबा, यहाँ तो नई पिक्चर चल रही है, मैं तो पता ही नहीं था ये कब रिलीज हुई। आहा, रिलीज कहाँ हुई है बेटा, तुम शूट करो, रिलीज हम करेंगे। इसका तो प्रीमियर बनता है, क्या बात है, क्या लग रहे हमारे हीरो हीरोइन, देख के तो मजा ही आ गया। एक अनार दो बीमार, कहते हैं कि एक लड़की अगर बीच में आ जाए ना तो एक दिल के दो टुकड़े कर सकती है। यहाँ तो दो दिलों के बीच में आई हुई लग रही है, इन दोनों के कितने टुकड़े होंगे, भगवान ही जाने। मुझे तो देख के बड़ा दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या बोले आप? कुछ नहीं बेटा, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन तैयार रहो कुछ बहुत ही जबरदस्त देखने के लिए। I'm so sorry. जरा बच के शूटिंग चालू ही रखना। तुम ना चल, अब चले, टाइम बम टाइम पे फटना चाहिए वरना मजा नहीं आएगा। चल, चल। आज आपकी आंखों में जो हमने देखा एक नया एहसास, एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं, जो पता नहीं कब कहां कैसे मुझे तुमसे हो गया। हाँ रेपा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। बधाई हो देवी जी, बिटिया की शादी का योग बन गया है और वो भी बहुत जल्द ही। पंडित जी, विवाह अपनी मर्जी से करेगी या हमारी मर्जी से, क्या कहती है ये कुंडली, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है ना? ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हमारी बच्ची बहुत ही अच्छी और बहुत ही संस्कारी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी कुंडली ठीक से देखिए ना, हमें तो यही चिंता खाई जाती है। दरअसल वो ठाकुर जी का छोटा बेटा है ना पार्थ, उसी की बुरी संगत में फंसी हुई है हमारी मीरा अब तक।
पता नहीं ये कौन सा ग्रह है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें बस यही डर लगता है कहीं वो लड़का हमारी बच्ची को भेला फुसला के भगा के ना ले जाए। कुंडली में तो कोई ऐसा योग नहीं है, पर हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। पंडित जी कोई उपाय हो तो बताइए ना, ताकि हमारी बच्ची का जो दिमाग है ना वो सही रहे, कुछ उल्टा सीधा ना करे, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप बस कुछ ऐसा करिए ताकि ये दोनों कभी एक ना हो। देखिए आप डरिए मत, माता रानी आपके साथ हैं, सब अच्छा होगा। यह है आपकी समस्या का समाधान। ये क्या है पंडित जी? ये ताबीज है, इसे बिटिया को पहना दीजिएगा, फिर देखिएगा उसकी बुद्धि जो है ठिकाने पे रहेगी। इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं होगा? अरे ऐसा क्यों कह रही है देवी जी, इसे मैंने बहुत सारे लोगों को बचाया है। एक बार इसे आप बिटिया को पहना के तो देखिए, हमारी बिटिया उसको देखेगी तक नहीं, यहाँ तक कि वो अगर गलती से उसके सामने आ गया ना तो बिटिया मुंह फेर लेगी। समझ लीजिए कि यहाँ से दोनों की जुदाई, बिटिया और पार्थ कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। बस माता रानी पे भरोसा रखिए। जी चलते हैं पंडित जी। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। लगता है भगवान ने हमारे रास्ते एक कर ही दिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे हम आपके घर ही आने वाले थे आपसे बात करने, और देखिए आप हमें यहीं मिल गई। हमारे घर सब ठीक तो है ना? मीरा से कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ बहुत बड़ी गलती की है आपकी मीरा ने। कैसी गलती? चोरी। चोरी? नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी होगी, हमारी मीरा ऐसी नहीं है, वो कुछ नहीं चुरा सकती। बिल्कुल नहीं, उसने चोरी की है, बहुत बड़ी चोरी, हमारे बेटे का दिल चुराया है उसने। जी हम समझे नहीं। अरे अरे आप घबराइए नहीं, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल हमारे बड़े बेटे गर्ग को आपकी मीरा पसंद आ गई है। अनगिनत रिश्ते ठुकराए हैं उसने और मीरा को एक ही नजर में पसंद कर लिया। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी, हम कुछ समझे नहीं। हाँ हमें भी ऐसी ही हैरानी हुई थी जब हमने हमारे बेटे की आंखों में मीरा के लिए वो चमक देखी जिसके लिए हमारी आंखें तरस गई थी। आपसे बस एक विनती है, अपनी बेटी हमें दे दीजिए। गाजे बाजे के साथ हम उसे अपने घर लाना चाहते हैं। शादी? हाँ लेकिन अब तक हमने मीरा की शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। बेटी तो ब्यानी होगी ना, आज नहीं तो कल। हाँ जी वो तो है। बस तो फिर हमें जल्दी नहीं है, अब घर जाइए, भाई साहब से बात करिए और बस हाँ कह दीजिए, हमें इंतजार रहेगा आपकी हाँ का। हमारे बेटे की खुशी जिसमें है उसी में हमारी खुशी है, बस हाँ कर दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है जी। Thank you.
कितना काम करोगी मीरा, थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें काम करता देख हम थक गए। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, हम ठीक हैं। हाँ हाँ, पर ब्रेक तो लिया जा सकता है ना। वैसे हमने सुना है कि आपसे अच्छी चाय पूरे प्रयागराज में कोई नहीं बना सकता। आपकी चाय के चर्चे हम तब से सुन रहे हैं जब आप सालों पहले हमारे घर आया करती थी। हमने कभी सोचा नहीं था कि बड़े होके वो छोटी सी सिंपल सी मीरा इतनी खूबसूरत हो जाएगी। तुम इस फाइल और लैपटॉप से ब्रेक लो, हम आपके हाथों की चाय पीना चाहते हैं। तो अगर बुरा ना माने तो एक कप चाय पिला दीजिए। हम कैसे आपके घर में? तो क्या हुआ, आज से यह घर आपका भी है। जितना हक इस घर पे सबका है, आज से आपका भी है। तो आराम से जाइए और चाय बनाइए। ग्रेट। तो तैरा, आप अपने हाथों से चाय बनाएंगी और हम पिएंगे। पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हो, लेकिन याद रखना हर लड़की पायल नहीं होती है। हमारे बात को गलत मत समझना, बहुत साफ दिल का है, पर कभी कभी गुस्से में आपा खो देता है। वो क्या है ना, बचपन से ही पार्थ को गर्व से नीचा दिखाया गया। ओ, सॉरी चाची। क्या बात है मीरा, बिजली से भी तेज चल रही हो तुम तो। हाँ, मानना पड़ेगा, मेहमान से मेजबान का सफर तो तुमने कुछ ही घंटों में तय कर लिया। हाँ क्या बात है, कल ही घर में घुसी और आज किचन तक पहुंच गई, सुपर डुपर फास्ट। चाची वो गर्व सर को चाय पीनी थी। अच्छा, गर्व को चाय पीनी है और पार्थ को क्या करना है? जो कल पार्थ के कमरे में मिली थी, कहीं कल को उठ के हमारे बेटे के कमरे तक मत पहुंच जाना। क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम वाम हो गए तुम्हारे? भैया हमारे काम तो देखो होते रहेंगे, हमें तो आपके काम की टेंशन हो रही थी तो हम चले आए। हमारे काम की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी गुड एट माई वर्क। ऑफकोर्स भैया, ऑफकोर्स। लेकिन कोई और भी है जो अपने काम में बहुत तेज है, ये देखिए आप, बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? हिम्मत कैसे हुई इसकी? अरे ये देखिए भैया आप, कैसे डरा धमका रहा है मीरा को, आंखों में गुस्सा दिख रहा है आपको इसकी? जान उसके खुद उसके पास पहले जाता है और फिर ये सब तमाशा करता है। गर्व भैया, हमें तो लगता है आपकी मीरा को ना ये इस घर में टिकने भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं टिकने देगा? अरे भैया वो तो आप होते हो, इतना सब सहन कर लेते हो। देखो हमें तो ऐसा लगता है पार्थ ना ये सब जान बूझ के कर रहा है, आपकी हर चीज में इसको टांग अड़ा के सब खराब करना होता है। देख लो आप, हर चीज में टांग अड़ाकर हमारे घर का माहौल मत खराब करो, अपनी हद में रहो, समझी? चाची हम अपने आप नहीं आए हैं यहाँ पे,
आपको गर्व सर ने भेजा हमें यहाँ चाय बनाने के लिए। अच्छा, गर्व ने बोला तुम्हें उसके लिए चाय बनाने? क्यों भाई, घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? हुँ? या फिर चाय बनाने के लिए ही पैसे मिलते हैं तुम्हें? कुछ ज्यादा ही महंगी नौकर नहीं पड़ रही हो तुम? चाय बनाने के 35,000? एक्चुअली हमें पता नहीं था कि हम जैसे बड़े घरानों की शान बढ़ाने के लिए तुम जैसे पढ़े लिखे नौकर भी मिल जाते हैं। मंजू बहू, मीरा इस घर की नौकरानी नहीं है, वो इस घर की बेटी है। और वैसे भी हर बात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है तुम्हें? घर के सदस्य कम पड़ गए हैं कि अब नया नया शिकार ढूंढ रही हो तुम? ठीक ही कहा आपने, घर के लोग वैसे भी बात करने लायक बचे ही कहां। हमारी बात मानो, एक काम करो, सुबह जल्दी उठ के घर के बाहर चली जाया करो, बाग बगीचे में, मंदिर की सीढ़ियों पे तुम्हारे जैसे लोग मिल जाएंगे, उनके ऊपर अपनी भड़ास निकालना, ठीक है? अच्छा मीरा, पार्थ को भी चाय बहुत पसंद है, उसके लिए भी एक कप बना दे। वही अदरक वाली। हेलो, समझता क्या आपने आपको?